हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्टूडेंट्स, इफ पी इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 4p+7। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम p की जगह -2 रखते हैं तो 4p+7 की क्या वैल्यू होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग p इज इक्वल टू -2 इन 4p+7, यानी कि हम 4p+7 में p की जगह -2 रख रहे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के 4p का मतलब होता है 4 × p, तो यहां पर हम लिखेंगे 4p+7 इज इक्वल टू 4 × और यहां पर p की जगह हम लिखेंगे -2, ये प्लस 7 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर p की वैल्यू -2 रख दी है। और जब आप +4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -8, तो यहां पर आप लिखेंगे -8, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, +7 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, तो जब हम 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 8 बड़ा नंबर है जिसका साइन माइनस है, तो यहां पर हम लिखेंगे -1। तो अब हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 4p+7 में p की जगह -2 रखा तो 4p+7 की वैल्यू हमें मिल गई -1। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है -3p² + 4p+7। अब यहां पर हम p की जगह -2 रखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग p इज इक्वल टू -2 इन -3p² + 4p+7, यानी कि हम -3p² + 4p+7 में p की जगह -2 रख रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे -3p² + 4p+7 इज इक्वल टू। अब जहां जहां p है वहां पर हम p की जगह -2 रख देंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि -3p² का मतलब होता है -3 × p² और 4p का मतलब होता है 4 × p, तो यहां पर हम लिखेंगे -3 × और यहां p की जगह हम लिखेंगे -2 और यहां p का स्क्वायर है तो यहां -2 का स्क्वायर आएगा। इसके बाद यहां पर है +4p, यानी कि +4 × p, तो यहां पर हम लिखेंगे +4 × और यहां p की जगह हम रखेंगे -2, +7 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब ये -3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आएगा। -2² का मतलब होता है -2 × -2। इसे हम आपको इस तरह से समझा रहे हैं, -2² का मतलब होता है -2 × -2। 2 × 4 होता है तो यहां पर आप लिखेंगे 4, और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव बन जाते हैं, तो जब हम -2 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ तो आपको +4 मिलता है। तो ये -3 यहां पर एज इट इज आ गया, ये मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आ गया, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4, और जब आप +4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो आपको मिलेगा -8, क्योंकि 4 × 8 होता है और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, +7 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमें मिलेगा -12, क्योंकि 3 × 4 = 12 होता है और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, -8 + 7 यहां पर एज इट इज आ जाएंगे। अब ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो इन्हें हम ऐड कर देंगे, 12 + 8 = 20 होता है तो यहां पर हम लिखेंगे 20, और ये दोनों ही टर्म्स नेगेटिव है तो यहां भी माइनस साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे -20, +7 यहां पर एज इट इज आ जाएगा।
अब ये नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है, 20 माइनस 7 होता है 13, तो यहां पर हम लिखेंगे 13 और 20 बड़ा नंबर है जिसका साइन माइनस है, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 13। तो जब हमने माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7 में p की जगह माइनस 2 रखा तो माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7 की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 13। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है माइनस 2p³ माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7, तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग p इज इक्वल टू माइनस 2 इन माइनस 2p³ माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7, यानी कि हम माइनस 2p³ माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7 में p की जगह माइनस 2 रख रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 2p³ माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7 इज इक्वल टू, अब यहां पर जहां जहां p है वहां पर हम p की जगह माइनस 2 रख देंगे। अब यहां पर क्या है माइनस 2p³, जिसका मतलब होता है माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय p³, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय p की जगह हम लिखेंगे माइनस 2 और यहां p का क्यूब है तो यहां पर आएगा माइनस 2 का क्यूब। उसके बाद है माइनस 3p², जिसका मतलब होता है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय p², तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय p की जगह यहां पर हम लिखेंगे माइनस 2 और यहां p² है तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 2² उसके बाद है प्लस 4p, जिसका मतलब है प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय p, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय p की जगह यहां पर हम लिखेंगे माइनस 2 प्लस 7, यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस 2 यहां पर एज इट इज आएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आ जाएगा। माइनस 2³ को जब आप सोल्व करते हैं तो आपको मिलता है माइनस 8, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 8। अब हम इसे समझते हैं कि माइनस 2³ को हम कैसे सोल्व करते हैं। माइनस 2³ को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहां पर हम लिखेंगे 8। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर फिर से माइनस हो जाता है, इसीलिए यहां पर माइनस 8 आया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि माइनस 2³ का मतलब होता है माइनस 8, इसीलिए यहां पर हमने लिखा माइनस 8। माइनस 3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आएगा। माइनस 2² का मतलब होता है 4, क्योंकि माइनस 2² को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, जिसका मतलब होता है 4। और जब आप प्लस 4 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 8, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 8, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है। प्लस 7 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 के साथ, 2 8 जा 16 होता है, तो यहां पर आप लिखेंगे 16 और माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाते हैं तो यहां पर पॉजिटिव 16 आएगा। उसके बाद आप माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपको मिलेगा माइनस 12, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 12, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है तो यहां पर आप 12 लिखेंगे और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, इसलिए यहां पर माइनस 12 आएगा। उसके बाद माइनस 8 प्लस 7 यहां पर एज इट इज आ जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 16 और 7 ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो इन्हें हम ऐड कर देंगे, 16 प्लस 7 23 होता है तो यहां पर हम लिखेंगे 23। अब ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो इन्हें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स भी आपस में ऐड हो जाते हैं, 12 प्लस 8 20 होता है तो यहां पर हम लिखेंगे 20, और क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव टर्म्स है तो यहां पर माइनस साइन आएगा तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 20, तो यहां पर हमें मिल गया है 23 माइनस 20। और जब आप 23 में से माइनस करेंगे 20 को तो आपको मिलेगा 3, तो यहां पर आप लिखेंगे 3,
तो जब हमने माइनस टू पी क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस सेवन में पी की वैल्यू माइनस टू रखी तो माइनस टू पी क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस सेवन की वैल्यू हमें मिल गई थ्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।